खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल। आज की वीडियो शेयर करने से पहले मैंने कई मरतबा सोचा कि इसे अपने व्यूज तक पहुंचाने से पहले पहले डिलीट कर दूं, क्योंकि जिस तकलीफ़ और अजियत से मैं गुजरा हूं कोई और ना गुजरे। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि जुल्म को छुपाने वाला और जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिम ही में शुमार होता है। ये हमारा अलमिया है कि हम जानवरों को सिर्फ हैवान समझते हैं, उस पर गुजरने वाली तकलीफ को महसूस नहीं करते। इसलिए रहम नाम का कुछ जज्बा हमें इस तरह के वाकयात से नहीं रोकता। आपको याद होगा कि हमने एक स्लॉटर हाउस की वीडियो अपलोड की थी और उन लोगों का दावा था कि आपके सामने यहाँ पे जब जो तंदुरुस्त जानवर होता है आप देख रहे हैं बाकायदा, आपको नजर आ रहा है कि ये तंदुरुस्त जानवर भी है और आपके सामने है सब कुछ। हम किसी काम से वहाँ से गुजरे तो हमने जो देखा वो बहुत दर्दनाक था। इसके बाद जो छुपके बनाए जाने वाली वीडियो है वो अभी आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपनी राय वीडियो के आखिर में दे दी है और आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखो भाई, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी सिटी अवेटर में, ये लोगों ने सही कहा था कि ये जानवर जख्मी, जो मतलब ये एक भैंस ये ऐसी है इसकी टांग छोटी भी है और ये उसको अंदर जा रही है, स्लॉटर होने जा रही है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, खामोशी से देखिएगा आप लोग बस। और ये कह रहे हैं कि इस भैंस की टांग छोटी भी है और ये अंदर जा रही है। आपके सामने हैं, आप देखें, मैंने मोबाइल काफ़ी मतलब ये छुपा के तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखें जरा, अल्लाह अकबर, ये जुल्म की आप इंतहा देखें जरा। लाला लाला, यार बच्चे को जरा क्या मैं साइड पे दे रहा हूँ। जी सर, बच्चे को साइड पे तो करते हैं। अच्छा सामने खड़ा हुआ ये। साइड पे तो हो, साइड पे हो, साइड पे हो। हाँ गर्मी का दुश्मन, बुरा हाल कर दिया इसमें, जारी कर दो। भाई ने यही कहा था कि यहाँ पे इसमें रेवड़ी में भी जा रही होती है अंदर वैसे। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी यहाँ की ना, वो उसमें कह रहे थे बिल्कुल साफ जानवर आता है, यूँ होता है, मुँह होता है, ये वो। लेकिन यार नज़र आ गया कि भाई यहाँ पे तो बड़ा जालिम लोग भी हैं इसके अंदर। बस अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है जी, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। अच्छा यार, ये तासर तो क्या, मैं तो ये जानता कि ये जख्मी गाय या टूटी हुई डांग अंदर जा रही है। नहीं, ये अंदर नहीं जा रही, ये पहले आए थे हमारे पास। अच्छा, तो हमसे इन्होंने पूछा कि इसको हम अंदर स्लॉटरिंग कराएं। हमने इनको सब मना कर दिया, हमने कहा अंदर स्लॉटरिंग नहीं होगी, अंदर स्लॉटरिंग नहीं होगी। ये दो घंटे के बाहर ही
हाँ? गेट पे ये मौजूद रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये यही बैठी है। सही सही सही। हमने इनको अभी बाहर का इनको बोल दिया, इन्होंने लोड करके ये अभी लेके जा रहे हैं। इन्होंने कोई प्राइवेट तम्बेले बने हुए हैं, ये अभी वहाँ जाके स्लॉटिंग कर। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगी? यहाँ नहीं हो सकती है यार। ये देखे ना कि कितना बड़ा जुल्म है। उसकी टांगे भी छिली हुई है, जख्मी हुई भी है, टांग टूटी हुई है, अंदर भी कोई बीमारी होगी वाला। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हमें इतना समझ में आया है कि ये कटने के काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो जो वीडियो बनाई थी वो क्या सही बनाई थी? क्योंकि काफी लोगों ने एतराज किया था उस चीज में। ये उसी वीडियो की एक क्लिप, ये भी समझ लें कि ये उसी का एक पार्ट है जो हमने आपको पहले भी गाइड किया था कि अंदर वो जानवर आता है जो अपने कदमों पे चल के आता है। बिल्कुल, ये चल नहीं सक रही, लिहाजा ये अंदर नहीं कट सकती, अंदर नहीं जाएगी, ये अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि काफी लोगों ने एतराज किया, वो कहने कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा क्या चेहरा दिखाया है यहाँ पे। तो मुझे एक भाई ने ये भी कहा कि साथ चलो तो मैं दिखाता हूँ कि वो क्या गधा गाड़ी के ऊपर रखे या अंदर तक या लेके आते हैं। ये आपके सामने कहाँ जा रही है? हाँ, अब ये सामने आ गए भाई आपके। ये उन लोगों के लिए जवाब है। अच्छा, जिन लोगों ने आपसे सवाल किया कि ये गाय गधों पे या घोड़ों पे चढ़ के भैंसे अंदर लोड हो रही है, अंदर लोड हो रही है, ये उनके लिए जवाब है। बेहतरीन है, ये यहीं से बाहर वाले गेट से ही बाहर जा रही है, अंदर एंट्री नहीं। जबरदस्त, ये अंदर होती फिर हम आपको देख के बाहर कराते, शक करते हमें देख के। जबरदस्त, लेकिन आप यहाँ थे ही नहीं, हमने रिटर्न कराया। हाँ सर, इसी बात पे भाई चलो चलो भाई, वो गई गाय गई। चले यार, इसी बात पे यार, ये मैं आपसे क्या गले मिलूंगा भाई। बेहतरीन है भाई, जबरदस्त। मतलब ये जो मेहनत जो हमने करी थी उस दिन, मतलब कि तो वो सही गई है। मतलब बिल्कुल सही गई है, बिल्कुल राइट है। हाँ। जो आपको चैलेंज कर रहा है उसको बिना खुद के यहाँ लेके आए, ठीक है। हम आपको सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की स्लॉटरिंग आपको खुद दिखाएंगे आपके सामने। बस सही है, ठीक है, बेहतरीन हो गया। रिकॉर्डिंग भी ऑन द कैमरा, हम आपको सारा कुछ लोड करा देंगे। सही, क्योंकि गलत है ये। जस्ट वहाँ पे दिखाते हुए मैं अफसोस करता, मैंने कहा यार ये मैंने या उस दिन क्या गलत वीडियो यार ये बनाई है मैंने। आपको यकीन हो गया? बिल्कुल हो गया। उसके बाद आप आए हो हमारे पास। मैं उसी के बाद ही आया हूँ। चले सर, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपसे पहले हमने इनको फारिग कर दिया था, ठीक है। ये तो इन्होंने घोड़ा बांधा हमारे गेट से। हमने कहा ये क्या पता तासुर ना जाए कहीं, ये घोड़ा क्यों इधर बांधा हुआ है। हमने उसको यही बोला कि ये घोड़ा इधर से खोलो हमारे गेट से, ताकि तासुर नहीं जाना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे मजदूर और ये बीमार वगैरह जानवर अंदर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने कदमों पे ही नहीं होता। सही बात है, जो जानवर अपने कदमों पे नहीं होता उसमें बीमारी होती है। बिल्कुल, ये बात है, ऐसी बात है। बीमार होगा वही नहीं जा सकता, वही नहीं जा सकता। अब 400 जानवरों में से 350 जानवर सही है, अपने कदमों पे जा रहे हैं। 50 जानवर अपने कदमों पे नहीं जा रहे, माने वो सही नहीं है, वो रिजेक्ट है। वो जानवरों का, उन जानवरों का गोश्त जो है मुजर सेहत है, हम इंसानों के खिलाने के लायक वो नहीं है, तो वो हम उनको कटने नहीं देते। क्या बात है, हम उनको चेक करते हैं कि ये जानवर आया के कटने जैसा है। हाँ। इसका गोश्त हम खुद खा सकते हैं। हाँ। जब हम खुद नहीं खा सकते तो दूसरों को क्यों खिलाएं? हकीकत बात है, इसलिए अब इनको रिटर्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ स्लॉटरिंग नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।